हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह, आप कर रहे हैं 9th क्लास की पंजाबी की बुक। 9th क्लास की पंजाबी दे बुक दे विच आपां जिहड़ा भाग दूजा दे विच जिहड़ी लोक कहानियां दे विच दंत कथावां कर रहे सी, लोक कहानियां दे विच दंत कथावां चल रही सन। दंत कथावां दे विच अपनी पहली सीगी पूर्ण भगत दी, ते दूजी है दुल्ला भट्टी दी। दुल्ला भट्टी दी आपां दूजी जिहड़ी दंत कथा है उसनू करांगे, फिर अपना जिहड़ा भाग दूजा है ये पूरा हो जूगा। अज अपनी दंत कथा दा जिहड़ा लास्ट पार्ट है दुल्ला भट्टी, जिहनू तुसीं ध्यान नाल सुनना है। दुल्ला भट्टी दा जन्म सादरवार पिता फरीद खां दे घर होया। पिता फरीद खां दे घर होया दुल्ला भट्टी दा जो जन्म है। इन्हां दे परिवार दा संबंध भाटी राजपूतां दे नाल सी, इस कारण दुल्ला भट्टी अपने नाँ दे मगर भट्टी लाउंदा सी। दुल्ला भट्टी दे नाँ दे नाल उह प्रसिद्ध होए जिहड़े दुल्ला भट्टी सी। दुल्ला भट्टी दे प्यो ते दादा तकड़े। दुल्ला भट्टी दा जन्म सांदरबार किथे होया, जिहड़ा सांदरबार उस सांदलबार। पिता फरीद खां पिता फरीद खां दे घर होया। पिता फरीद खां दे घर होया। इन्हां दे परिवार राजपूतां नाल भाटी राजपूतां नाल संबंध होण करके दुल्ला अपने नाँ दे मगर भट्टी लाउंदा है। दुल्ले दा जिहड़ा दादा ते प्यो ये तकड़े अणखीले बहादुर सूरवीर सन। इन्हां दे पिता दादा ने मुगलां दे अगे नहीं झुके। उन्हां दा डट के मुकाबला कीता, विद्रोह कीता। इन्हां ने मामला जिहड़ा सी जिहड़ा मामला भरदे हुंदे सी मुगलां नूं, उह वी इन्हां ने देना बंद करता। इन्हां ने बगावत कर दित्ती सी, मामला देना बंद कर दित्ता। जदों उस समय राज सी राजा अकबर, मुगलों का राजा किहड़ा सीगा, अकबर मुगल का दरबार का राजा सी उस समय। अकबर ने इन्हां नूं इहदे प्यो ते दादे नूं लाहौर बुला लिया, क्योंकि ये जिहड़े बागी हो गए सन, बागियां नूं इन्हां नूं लाहौर बुला के उत्थे इन्हां दा कतल कर दिता गया। इन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। दुल्ले दे प्यो अते दादे दे शरीर विच मार के उन्हों उदे तूड़ी भर के शरीर तूड़ी भर के शहर दे गेट ते लमका दिता गया, तां जो आम लोकां दे विच जिहड़े मुगलां दे प्रति डर पै बणिया रहे, अपना डर पै बनाउण वास्ते उन्हां दे शरीर तूड़ी भर के टंग दिता गया। इस गल तो दुल्ले भट्टी नूं बहुत ही दुख सी, ते बहुत ही मुगल प्रति उन्हूं गुस्सा सी। तां जदों दुल्ले भट्टी दा जन्म हुंदा है उदों ही जिहड़ा अकबर दा जिहड़ा शहजादा शेखू अकबर दा विआह इक राजपुतानी नाल हुंदा है, शहजादा शेखू
अकबर दी राणी जिहड़ी एक राजपूतनी राणी है वह एक पुत्र नूं जन्म दिंदी है जिसका नाम रख्या जांदा शेखू जो बाद दे विच सलीम दे नाम नाल बहुत प्रसिद्ध हुंदा है बहुत नाम दे नाल जाणिया जांदा है। जदों शेखू का जन्म हुंदा है शहजादे सलीम का जन्म हुंदा है तो जन्म वेले बहुत कमज़ोर हुंदा है बहुत कमज़ोर होने कारण जदों हकीमां द्वारा सलाह लेंदा है अकबर तां उस समय हकीम ये सलाह देंदे कि इसनू किसी राजपूतनी जो ताकतवर है किसी सूरबीर राजपूतनी का जिहड़ा दुध चंगाया जाए एक चंगोणी पाली जाए जिहड़ी इसनू दुध पिला सके। तां उस समय जिहड़ी उन्हां दे हकीमां ने जो दुध चंगोणी पाली वह दुल्ले की माँ सी दुल्ले ने भी अपनी माँ का दुध चुंगिया सी ते शहजादा जिहड़ा सेखू भाव सलीम ने भी दुल्ले की माँ का ही दुध चुंगिया सी दोनों बच्चों ने एको माँ का दुध चंगिया हुण करके दोने कट्ठे रहिंदे कट्ठे खेडदे शस्त्र विद्या सिखदे। जदों शहजादा सलीम वड्डा हुंदा है तां उहदी अपने पिता अकबर दे नाल अणबण हो जांदी है अणबण होण ते उह जिहड़ा दुल्ले नूं उकसाउंदा है जिहड़ा सांदलबार दे वास्ते उकसाउणा शुरू उहनूं उकसाउंदा है तां जो उह बागी हो जावे। तां दुल्ला तां पहला ही अपने प्यो दादे दे कतल दा बदला लेना चाहुंदा सी फिर जदों सलीम उन्हों उकसाउंदा है तां उह उहदा होर बदला लैण दी भावना वध जांदी है भावना जदों वध जांदी है तां उस तों बाद दुल्ला जिहड़ा व्यापारियों नूं जिहड़े व्यापारी है उन्हां तों व्यापार का समान लुट्टण लग जांदा है घोड़े लुट्टण लग जांदा है। एक बार जदों व्यापारी अपना व्यापार का समान लैके घोड़ियां ते जा रहे सन तां दुल्ले ने उन्हां दा व्यापार का सारा समान ते घोड़े लुट्ट ले जिहड़ा समान सी जां पैसा टका जो भी लुट्टदा सी उह गरीबां दे विच वंड दिंदा सी। एक बार जदों बादशाह वास्ते जिहड़ा तोहफा ले जांदे सन वह भी इनाम तोहफा जिहड़ा दुल्ले पट्टी ने लुट लिया सी तां बाद दे विच जिहड़ा दुल्ले दा चाचा सी जलाल दीन ने मुगल राजा अकबर को जाके दुल्ले दी शिकायत की उन्होंने दसिया कि वह उन्होंने जरा व्यापारियों लुटता है वो दुल्ले दे बारे जाके शिकायत की राजा अकबर को महाराज अकबर को जो उन्होंने शिकायत की तो अकबर ने अपने सैनिकों दुल्ले पट्टी को फड़ के लियाने लई भेज दिता। तां दुल्ला पट्टी जदों गरीबां दे विच जरूरतमंदां दे विच जो समान लुटदा सी उह गरीबां जरूरतमंदां दे विच वंड दिंदा सी हुकूमत दा इन्ना अत्याचार होण कारण जिहड़ी जनता बहुत दुखी सी ते जदों दुल्ला पट्टी उहनां नूं मददगार आया तां उहनां ने उहदा साथ देना शुरू कर दिता उह भी दुल्ले पट्टी दे नाल सन। जदों मुगल सेना दुल्ले पट्टी नूं फड़न आई तां उस सन उन्होंने उसनों बचाउण दे बहुत कोशिशां कीतियां एक गवालन सी जिसने अकबर दे सेनापति नूं भरमाउण दी भी कोशिश कीती अते बाद विच उन्होंने दुल्ले पट्टी दे परिवार नूं फड़ के लै गए ते इस गल तों दुल्ला पट्टी बहुत गुस्से होया उन्हें ललकारिया अते मुगल फौजां दे नाल उन्हें युद्ध किया युद्ध दे विच मुगलां नूं उन्हें भाजड़ां पातियां फिर जिहड़े मुगलां ने धोखा दे के दुल्ले पट्टी नूं बंदी बना लिया बंदी बना के लाहौर लै गए उत्थे लिजा के दुल्ले नूं फांसी ते चढ़ा दिता गया तो इस तरह जिहड़ा दुल्ला है ये अपने समय इन्हें गरीब धी भैण की राखी लई हर समय तैयार रहिंदा सी इस दे जीवन दे नाल संबंधित काफ़ी घटनावां परोपकारी घटना जुड़ियां हुई हैं। एक बारी उसने किसी गरीब की कुड़ी नूं धी बना के
धी बना के उसका विआह करवाया सी, उसका विआह किया सी। उसके विआह करन दा दुल्हे पट्टी ने पुन्न खटिया सी। भी एक बार किसी गरीब की कुड़ी का अपनी धी बनाई, धी बना के उन्हें विआह करके उन्हें तोरिया, उसका पुन्न खटिया। तो इस तरह दियाँ दुल्हे पट्टी दियाँ जड़ियाँ होर भी परोपकारी जड़ियाँ गल्लां हैं, कहानियां हैं, कथावां हैं, वो जुड़िया हुई हैं। इसका हवाला लोहड़ी ते गाए जाते लोक गीत विच मिलता है। इसका जिहड़ा हवाला है वह लोहड़ी के मौके पर जिहड़ा गीत गाया जाता है उस विच मिलता है। तो वह गीत की है, सुंदर मुंदरीए हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले दी धी व्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे बोझे पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, सालू कौन समेटे हो, चाचा गाली देसे हो, जिमीदारा लुट्टी हो। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਦੰਤ ਕਥਾ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਪਾਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪਾਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਲਾਲਦੀਨ। ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਲਾਲਦੀਨ। ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲਾਲਦੀਨ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜਲਾਲਦੀਨ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਹੀ
फौजां ने दुल्ले नाल की दुल्ले नाल की सलूक कीता। शाही फौजा ने दुल्ले नाल की सलूक कीता। ता अकबर ने जदों उहदा चाचा जलालुद्दीन दुल्ले दा अकबर जी कोल जाके उहदी शिकायत करदा ता अकबर ने अपनी मुगल फौजा नूं दुल्ले नूं फड़न लई भेज दिता। दोहां धिरां दे विच जम के युद्ध हुंदा है। फिर धोखे दे नाल जिहड़ा दुल्ले नूं फड़ लिया जांदा है, कैद कर लिया जांदा है अते लाहौर ले जा के उसनू फांसी दे दित्ती जांदी है दुल्ले नूं। तां दोहां दे विच जिहड़ा बदला लैण दी आपसी फौज भेजी तां जम के लड़ाई हुई। धोखे नाल उसनू फड़ लिया गया। फड़न तो बाद उन्हों कैद करके लाहौर ले गए। लाहौर ले जा के दुल्ले नूं फांसी दे दित्ती गई। दोनों दे विच कीड़ी भावना सी? बदले दी। अकबर ने उस तो बदले दी भावना वास्ते अकबर ते दुल्ले दे विच बदले दी भावना। अकबर तां सी उहदे जिहड़े व्यापारियां नूं लुटदा सी ते दुल्ले नूं तां सी उहदे प्यो ते दादे दा कतल कीता सी। तां इस दोनों जम के युद्ध होया। युद्ध तो बाद जिहड़े उस धोखे नाल उहनूं कैद करके ते लाहौर ले जा के फांसी दे दित्ती गई। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਹੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5। ਲੋਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋ ਸੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੋਝੇ ਪਾਈ ਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਪਟਾਕਾ ਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਾਟਾ ਹੋ ਸਾਲੂ ਕੌਣ ਸਮੇਟੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਗਾਲੀ ਦੇਸੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲੁੱਟੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।